सपना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ हलवाई जैसा ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मोस्ट डिमांडेड रेसिपी है, क्योंकि आप सभी को समोसा की रेसिपी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम रेसिपी शुरू करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, नमक स्वादानुसार या 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी यूज करेंगे हम सिर्फ, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, जीरा 1 टीस्पून, धनिया पत्ती 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई, और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टफ करने के लिए, ब्रेड पर लगाने के लिए टोमेटो केचप लिया है, और साथ ही यहाँ पर ली है हरी चटनी, जो धनिया पुदीना की चटनी होती है। आप टोमेटो केचप की जगह मीठी इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं, तो आपको हरी चटनी की रेसिपी और मीठी इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और फ्रेंड्स, सभी इंग्रेडिएंट्स विद मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। कवरिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो कवरिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 पीस ब्रेड के, ये व्हाइट ब्रेड है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। 2 कप बेसन लिया है मैंने, हो सकता है आपको बेसन की अमाउंट ज्यादा लग रही हो, बट ब्रेड पकौड़ा तभी सही बनता है अगर बेसन का बैटर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हो। अगर बेसन कम अमाउंट में है तो वो प्रॉपर तरीके से कोट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है, मोटा बेसन है, कोर्स बेसन है, ये देखिए ये मोटा वाला बेसन है, बारीक बेसन नहीं यूज करेंगे इसके लिए हम। नमक 1/2 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं कवरिंग को। अजवाइन, यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून अजवाइन डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आमतौर पर लोग ब्रेड पकौड़ा की कवरिंग में ऐड नहीं करते, यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन लिया है, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें डालूंगी, इससे बैटर का जो फ्लेवर है वो बहुत निखर कर आता है और ब्रेड पकौड़े जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बेकिंग सोडा है, यहाँ पर मैं जस्ट 1 पिंच सोडा ऐड करूंगी, हलवाई जो है वो ब्रेड पकौड़े में सोडा जरूर ऐड करते हैं, इससे कवरिंग जो है वो काफी अच्छी बनती है। आप चाहें तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेंगे क्योंकि उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। ये देखिए, मैंने आलू को छील कर पहले से तैयार कर लिया था, तो अब हम इन्हें थोड़ा सा मैश कर लेंगे या तोड़ लेंगे। ये देखिए, आलूओं को हमने क्रश कर लिया है, अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे थोड़ा सा, हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, प्याज को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्याज का क्रंच जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। प्याज का फ्लेम जो है थोड़ा सिम कर देंगे, और सभी मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल ज्यादा नहीं डालेंगे अदरवाइज, और अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे इन मसालों को। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो कि हमने मैश करके रखे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो स्टफिंग है वो गीली गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस स्टफिंग को कच्चा ही भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, बट हलवाई जो है वो इसे कुक करके भरते हैं, उससे इसका फ्लेवर जो है और भी अच्छा हो जाता है और उभर कर आता है। ब्रेड पकौड़ा इससे बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई भी अगर बड़े चंक्स दिखेंगे तो उनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और आलू का जो स्टफिंग है वो भी रेडी है ब्रेड पकौड़े के लिए। आप चाहें तो इसे हल्का सा टेस्ट करके देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया स्टफिंग बनी है ये। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे,
तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तब तक बैटर तैयार कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ों के लिए पहले बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हम इस तरह से हाथ पर लेकर हल्का सा क्रश करते हुए डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे पहले। यहाँ पर आप ग्रीन चिलीज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टेस्ट के लिए हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ यहाँ पर। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसका बैटर बनाना शुरू करेंगे। मैं उसके लिए मैंने जो बेसन है इसी मेजरिंग कप से लिया है। मैं आपको अब इसी से पानी का मेजरमेंट भी बताऊंगी। हमें यहाँ पर थिक बैटर तैयार करना है, तो बैटर बनाने के लिए मैंने पहले 1 कप पानी लिया है। मैं पानी ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ ना ऐड करें, अदरवाइज जो लम्ब्स पड़ जाते हैं। ये देखिए पूरा 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ पहले। अगर आप बैटर को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बनाएंगे तो इसमें लम्ब्स नहीं पड़ेंगे, और अगर लम्ब्स होंगे भी तो इस तरह के थिक बैटर को फेंटने से वो अपने आप निकल जाते हैं। आप इसे वुडन स्पून का यानी कि लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर विस्क की जगह, अगर आपके पास विस्क नहीं है तो। हमने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब हम 2 कप पानी का डालने वाले हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर पहले थोड़ा पानी डालूंगी। 1 कप पानी डालने के बाद जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो ध्यान से करें, क्योंकि थिक होना चाहिए तभी ब्रेड पकौड़े पर थिक कवरिंग जो है आती है। हम इसकी स्पून से कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है इसकी, इसी तरह होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत पतला। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बट अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो सकता है क्योंकि बेसन जो है वो फूल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है, 1.5 कप प्लस 1 टेबल स्पून। तो हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है हम ब्रेड पकौड़े बना लेंगे। हम यहाँ पर ब्रेड पीस ले लेंगे, उस पर हम एक तरफ ग्रीन चटनी अप्लाई कर लेंगे। चटनी की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें क्योंकि उससे ब्रेड जो है गीली हो जाती है और ब्रेड पकौड़ा जो है अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे पीस पर मैं यहाँ पर सॉस अप्लाई कर लूँगी। अब हम इसमें स्टफिंग रख लेंगे। ये देखिए अच्छी सी अमाउंट फिल करेंगे स्टफिंग की। इसके बाद हमें ब्रेड स्लाइस को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से फिल करने में इजी रहता है। ये देखिए तो मैं इसी तरह सभी पीसेस को फिल कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमें सभी ब्रेड जो है भरकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से स्टफ हुए हैं। ये बैटर रेडी कर लेंगे, जो बैटर हमने रखा था। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, बैटर और भी गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो अब हम इसे थोड़ा सा और कर लेंगे, पानी डाल लेंगे इसमें हम। फ्रेंड्स आप बैटर में सॉल्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी कम सॉल्ट डाला था तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सॉल्ट की अमाउंट जो है वो कम लगी है। साथ ही मैंने इसमें कोई टर्मरिक ऐड नहीं किया था क्योंकि बेसन का अपना कलर जो है वो काफ़ी कम येलो होता है, बट जो हलवाई से हम ब्रेड पकौड़े लाते हैं वो काफ़ी येलोइश टोन पर होते हैं, तो उसमें हल्दी डली होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ कि हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, अबाउट 1 टेबल स्पून। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप और 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है टोटल। कि इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए लास्ट में हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट 1 जनरस पिंच लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक चुटकी भर लेंगे और उसको डाल देंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालना हमें, अदरवाइज बेसन जो है वो फटने लगेगा और ब्रेड पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा डालना है, और अदरक लहसुन की पेस्ट जो हमने इसमें डाली है उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बट वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑयल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए उसके। ये देखिए हम पहले इसमें 1 ड्रॉप बैटर डालेंगे। ये एकदम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऑयल जो है वो एकदम रेडी है। तो अब हम ब्रेड पकौड़े डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है ऑयल गर्म होने के बाद। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा लेंगे और उसको इस तरह से हम पहले इस तरह से डिप करेंगे, हर तरफ से पहले ऊपर से डिप कर लेंगे और उसको इस तरह से करते हुए, और हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ब्रेड पकौड़ा यहाँ से डालकर दिखाऊंगी। ये देखिए, हम इस तरह से इसे दोनों तरफ से कोट करेंगे, अच्छी तरह से टिप से भी कोट करेंगे, और यहाँ से ऐसे उठाते हुए हम इसे यहाँ पर बिल्कुल धीरे से इसे कढ़ाई में डाल देंगे। आप उतने ही ब्रेड पकौड़े एक टाइम पर डालें जितना कि आपका जो तलने के लिए आपने जो बर्तन लिया है वो बड़ा हो। तो इसमें तीन ब्रेड पकौड़े इजीली आ सकते हैं, इसलिए मैंने तीन डाले हैं। ये देखिए, तो हम इन्हें पहला ब्रेड पकौड़ा जो है वो पलट देंगे। इसी तरह हम दूसरे ब्रेड पकौड़े भी पलट लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इन्हें दोनों साइड से पहले हल्का सा पकने देंगे, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। क्योंकि ये थिक कोटिंग है तो हमें ध्यान रखना है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, हम इन्हें बीच बीच में पलटते रहेंगे। इन पर एक तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए, अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। ब्रेड पकौड़े रेडी हैं। कितने अच्छे ब्रेड पकौड़े बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर और इसी तरह मैं सभी ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लूंगी। देखिए, बिल्कुल हलवाई की तरह के ब्रेड पकौड़े रेडी हैं। ये बिल्कुल हर तरफ से अच्छे से कोटेड हैं। इसमें ऑयल भी नहीं भरेगा क्योंकि ये हर तरफ से पूरी तरह से कोटेड है। तो मैं आपको एक की ब्रेड पकौड़ा कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्रेड पकौड़े अंदर से कितने अच्छे बने हैं, कितनी अच्छी कोटिंग है इन पर, कितनी थिक कोटिंग है बेसन की। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ब्रेड पकौड़ों को ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको ग्रीन चटनी के साथ नहीं सर्व करना तो आप इसे मीठी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। थैंक यू। बाय बाय।